इस तरीके से थे कि भाई वेक्टर और स्केलर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपके पास, है ना, और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के पास टोटल तीन मेथड्स है। यू इन इक्वेशंस यू रिप्रेजेंट वेक्टर बाय द हेल्प ऑफ एरो। ओके, एरो लगाए तो गारंटी है वेक्टर है, नहीं लगाए तो भाई आप बोलोगे स्केलर है। डायग्राम्स में अपन वेक्टर्स कैसे शो करते हैं, द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और जो ये हेड होता है बच्चे ये बताता है डायरेक्शन। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे और हमारा डिस्कशन शायद यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, है ना। नेक्स्ट, किसी बच्चे का कोई डाउट है? आशवी, क्रिश? नो सर, नो सो ओके। अब क्या होता है बेटा कि जब हम वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं तो उसमें कुछ हमें बेसिक सी डेफिनेशन जैसा पढ़ना पड़ता है ना। डेफिनेशंस क्या है कि अगर कोई मुझसे बोले कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर्स, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट डू मीन बाय पैरेलल वेक्टर? सर, दो वेक्टर्स जो एक ही डायरेक्शन में हो और एक दूसरे से पैरेलल हो। एक ही डायरेक्शन में हो तो वो बात पैरेलल वाली बेटा आ जाती है ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में तो डेफिनेशन को पैरेलल ही हो गए। कोई एग्जांपल है रियल लाइफ में जो पैरेलल वेक्टर्स का दिखता हो? सर, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट बेटा लाइट के साथ वेक्टर जोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। अच्छा ऐसा सोचो, विजुलाइज करो, एक बहुत डिसिप्लिन कंट्री है जापान जैसा मान लो, है ना, और मॉर्निंग में सब कार्स जा रही है एक हाईवे पे। ओके, तो आर दे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? एक साइड पे अगर देखें तो क्या सारी कार्स पे एक डायरेक्शन में जा रही होंगे? इस तरह ये हाईवे है तो इस हाईवे पे इस लेन में ये थोड़ी सी फास्ट लेन है तो कार थोड़ा फास्ट जा रही होंगी, इस डायरेक्शन जा रही है, ये सेकंड लेन थोड़ी सी स्लो है। क्लियर? अब अगर ये फास्ट लेन है तो इसमें सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी, जो थोड़ी सी स्लो लेन होगी उसमें थोड़ी सी वेलोसिटी कम होगी। ओके, पर एक चीज श्योर है कि सबकी वेलोसिटी क्या है बच्चे, क्या सेम डायरेक्शन में है? फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, अगर विजुलाइज कर पाओ तो अच्छा है। तो आप बोलो कि सर इस केस में क्या होता है अगर दो वेक्टर्स को पैरेलल डिक्लेयर करना है तो इसका मीनिंग फर्स्ट क्या है, दे मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन बच्चे सेम होना चाहिए, एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पे बच्चे कोई शर्त नहीं है, मे और मे नॉट बी इक्वल। क्लियर? ये बेटा बात आई। और कोई एग्जांपल आपको लगता है हो सकता है पैरेलल वेक्टर्स का? सोचो सोचो चारों तरफ अपने। एक काम करो, सब लोग स्टडी कर रहे होगे तो सामने एक वॉल दिख रही होगी, दिख रही है? सर, उस पे कुछ ऑब्जेक्ट हैंग हो रखे हैं, एक yes, sir. फोटो फ्रेम होता है, एक क्लॉक होता है, नहीं नॉर्मली होते हैं, नहीं है तो दूसरी दीवार को देख लो, है ना। तो वो जो ऑब्जेक्ट हैंग हो रखे हैं बच्चे अगर तुम देखोगे तो जो भी वॉल पे जो भी ऑब्जेक्ट्स लगे हैं वो एक फोटो फ्रेम हो सकता है, क्लॉक हो सकती है ना, एक की रिंग के लिए होल्डर हो सकता है ना, चाबी टांगने के लिए हम बना देते हैं। अब तुम ठीक से देखना बच्चे, अगर उस पे जो भी चीजें हैंग कर रखी हैं, एक छोटा सा आपने की रिंग लगा रखा है, एक फोटो फ्रेम लगा रखा है, एक आपने रिमोट के लिए होल्डर लगा रखा है ना, अब चेक करना बच्चे क्या सबका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा? Yes, M1 वाले ब्लॉक का वेट M1G, M2 वाले का ब्लॉक M2G, 3 से वाले का ब्लॉक M3G, क्या इनका वेट डाउनवर्ड है? Yes. तो टेक्निकली बच्चे पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, सो दिस वेक्टर मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड पे हम कुछ नहीं कह सकते, तो इसको बच्चे हम लोग अपने बात को मैथमेटिकली कैसे बोले, वेक्टर ए मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। एक बच्चे ने ऑब्जेक्ट किया सही है, बी वेक्टर है, ए वेक्टर, लैम्डा क्या हो गया? लैम्डा एक नंबर होगा जो स्केलर है और इसका पॉजिटिव नंबर होना
जरूरी है, क्लियर। अब सोचो अगर a इक्वल टू 2b बोल दें तो क्या बच्चे आपको लगता है ये दो वेक्टर पैरेलल होंगे? a इक्वल टू 2b का मीनिंग इफ दिस इज योर b वेक्टर देन a वेक्टर मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन एंड ऑफ डबल मैग्नीट्यूड, क्लियर। चलो किसी ने बोला सर मान लेते हैं वेक्टर c है जो b बाय 3 है, बोलना c इक्वल टू b बाय 3 का मतलब बच्चे क्या हुआ? अगर आपका एक वेक्टर b है तो c सेम डायरेक्शन में पॉइंटेड है बट इट इज ऑफ 1/3 मैग्नीट्यूड, क्लियर। तो इस पॉइंट पे मैं बात करूं बच्चे कि जब भी आपको एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो स्पेशली पॉजिटिव स्केलर से तो दोनों वेक्टर्स कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। ये फर्स्ट डिस्कशन क्लियर है सबको? ये डायग्राम वाला पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? क्या फिजिक्स में बच्चे आपको ऐसा? यस बेटा सर यहाँ पे लैम्बडा का मीनिंग नहीं समझ आया कि लैम्बडा, मैं आपको बेटा नेक्स्ट पॉइंट ही बता रहा हूँ। लैम्बडा एक नंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ा था 9th में? हाँ सर। तो एक रिलेशन तुमने श्योरली पढ़ा होगा एफ इक्वल टू एम ए, पढ़ा था? यस सर। अच्छा एफ इक्वल टू एम ए मुझे बताना, एक्सेलरेशन को अगर मैं मास से मल्टीप्लाई करूं तो वी गेट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? यस सर। तो यू आर मल्टीप्लाइंग एक्सेलरेशन जो उसके काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है उसको अगर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट फोर्स। तो टेक्निकली तुम क्या कर रहे हो बच्चे, उस वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना? यस सर। ओके तो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई। ओके एक सिंपल वे में लिख भी देता हूँ, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव स्केलर, हमारी बात का एक और मतलब भी निकला, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव स्केलर, ओके एक वेक्टर को अगर तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव स्केलर से, देन न्यू वेक्टर जो भी नया वेक्टर बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा इज अलोंग सेम डायरेक्शन, गॉट इट। और एक चीज बड़ी बढ़िया सी आ गई, फोर्स और एक्सेलरेशन में फ्रीडम ही नहीं कि इनकी दिशा अलग हो पाए, ओके फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और यू कैन से एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, कैसे भी बोल सकते हैं। ऐसा एक कोई फॉर्मूला बच्चे आप लोग और बताएंगे पूरी फिजिक्स में, एक ऐसा फॉर्मूला अगर याद आता हो तो हिंट दे दे रहा हूं। यस नहीं याद आया? P इज इक्वल टू एम वी नहीं था? यस सर। तो पार्टिकल जिधर बेटा मूव करेगा, ओके देखो चीजों को समझो, अब आप 12th के कॉन्सेप्ट समझो, वेलोसिटी बेटा क्या होता है? एक स्टेट है, वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक्सेलरेशन। ऐसे मोमेंटम क्या होता है बच्चे? पार्टिकल का एक स्टेट जैसा, उसमें चेंज लाना है तो क्या चाहिए? फोर्स। अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, वेलोसिटी मोमेंटम दोनों ही कॉन्स्टेंट रहेगा। पर अपने मुद्दे पे वापस आए, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव स्केलर देन न्यू वेक्टर इज अलोंग द सेम डायरेक्शन, क्लियर। ये पॉइंट आशवी क्रेश क्लियर है दोनों को? क्लियर सर। यस सर। ओके अच्छा थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े बच्चे, मुझे एक बात बताइएगा, पैरेलल वेक्टर तो चलिए ठीक है, उसी डिस्कशन में आगे बढ़ते तो हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है, इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स बेटा क्या हुआ? तो अब तो बात सिंपल से हो गई भाई, आपने थोड़ी देर पहले एक करोड़ लैम्डा भी बोला और आपने लैम्डा से वो अधिकार भी छीन लिया कि नहीं, आप लैम्डा से बोला कि आप और कुछ नहीं हो सकते, वन ही हो सकते। तो ए इक्वल टू बी बेसिकली दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, क्लियर। अब अगर कोई बोले दो वेक्टर कैसे हो, सर इक्वल तो होने ही चाहिए, साथ साथ बच्चों कैसे हो सेम मैग्नीट्यूड के भी हो, तो दीज टू वेक्टर्स आर सेम, अगर ये वेक्टर ए है तो टेक्निकली बच्चे इसे भी आप ए बोलेंगे, ओके okay?
तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड बच्चे क्या होता है, सेम होता है, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड पॉइंटेड इन सेम डायरेक्शन। क्या बच्चे आप में से कोई बताएगा दो वेक्टर्स इक्वल होने का कोई सिनेरियो आता है? यस, क्विक सिनेरियोस में जब ये दोनों वेक्टर्स, दो वेक्टर्स इक्वल है, चलो कार में हम अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं और यहाँ पे हमारी फैमिली में दो लोग हैं, ये ड्राइवर आगे बैठा है, ये दो लोग यहाँ बैठे पीछे, वन एंड टू। अब मुझे बताइए अगर ये कार, भाई मेरी कार देखो ऐसी ही बनेगी है ना, ये कार अगर ऐसे जा रही है तो क्या आपको लगता है बच्चे कार से एसोसिएटेड हर चीज की वेलोसिटी सेम होगी डिफरेंट होगी? ये जो पर्सन है टू इसकी वेलोसिटी, जो पर्सन वन है उसकी वेलोसिटी, और जो ड्राइवर है, क्या सबकी वेलोसिटी बच्चे सेम होगी डिफरेंट होगी? बोलो बेटा, आज तो शांति से बैठे हैं सब लोग, एक बार रिवाइज करा दो सारे पॉइंट। हाँ सर। सब भूल गया। फिजिकल क्वांटिटी से बच्चे मैंने आपको डिस्कशन दिया था वो स्ट्रेट था, मेरे पास सराउंडिंग में जब मुझे फिजिक्स पढ़नी है, मेरी बात समझो बच्चे, फिजिक्स की बात कहाँ से शुरू होती होगी, शायद हम जब छोटे थे तो ही शायद हमें फिजिक्स थोड़ी थोड़ी समझ में आनी शुरू हो गई थी। मेरे सामने से दो कारें अगर निकले हैं तो हम छोटे पे ही समझ जाते थे कि ये फास्ट गई या ये स्लो गई, दिखता था कार बड़ी कार नहीं टॉय कार, ठीक है ना, तो हमें वेलोसिटी का अंदाजा लग गया था, हम वो कार को पसंद करते थे जो फास्ट जाती थी। पक्का? हम जब इस दुनिया में आए होंगे तो हमने साउंड को रिस्पॉन्ड किया होगा, तो क्या ये साउंड, ये वेलोसिटी, ये लाइट, ये हीट, इन सब को बच्चे हम लोग किसी चीज के थ्रू पढ़ते हैं ना। साउंड को किससे पढ़ते हैं? इंटेंसिटी से। मैं दूर से बोलूं तो इंटेंसिटी कम है, मैं आपके कान में आके बोलूं इंटेंसिटी ज्यादा है, फैन स्लो चल रहा है उसकी स्पीड कम है, फैन फास्ट चल रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है, तो हर चीज को मेजर करने की जरूरत तो पड़ी थी ना। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे कुछ क्वांटिटीज बनाई, जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल, और जो मेजर नहीं कर सकते उनको हमने बच्चे अलग कैटेगरी में रख दिया। अब जब फिजिकल क्वांटिटीज में बात करते हैं तो मेजर डिविजन किस चीज का है बच्चे, स्केलर्स का और वैक्टर्स का। स्केलर्स को डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं बच्चे, मेरे पास एक किसी ने बहुत पुरानी बाइक मुझे दे दी, अब उस बाइक पे जो स्पीडोमीटर लगा था बाइक चलाने पे वो 40 दिखा रहा है, तो क्या मुझे क्लियरली पता लग पाएगा इस 40 का मतलब क्या है? सर इतना तो पता है कि व्हीकल हाउ फास्ट इट इज ट्रैवलिंग 40, बट क्या ये कंप्लीट डिस्कशन है? 40 माइल्स पर आ रहा है, 40 किलोमीटर पर आ रहा है, 40 मीटर पर सेकंड, नहीं पता लग रहा है ना। तो वो स्पीड को बताने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आर में है, ये किस में है। तो किसी भी स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो नंबर 40 और एक यूनिट। क्लियर? तो मेरा कहना था बच्चे स्केलर्स को डिस्क्राइब करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। लेकिन मजेदार बात यह बच्चे कि जब आप इनके एडिशन की बात करते हैं तो सिंपलेस्ट एडिशन फॉलो होता है। नॉर्मली स्केलर्स पॉजिटिव होते हैं, है ना, एनर्जी पॉजिटिव होती है, स्पीड पॉजिटिव होती है, पर कभी कभार कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाता है जिसमें स्केलर नेगेटिव हो सकता है, जैसे वर्क डन नेगेटिव होता है ना, चार्ज नेगेटिव होता है, तो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नॉर्मली दे आर पॉजिटिव एंड दे फॉलो सिंपलेस्ट एडिशन। जो छोटे पे दो उंगली की हेल्प से करते ना, दो फिंगर है सामने तीन और हो गए, टोटल कितनी उंगलियां होंगी, पांच उंगलियां होंगी, ये वाला एडिशन जो होता है स्केलर्स का होता है। आपको एग्जाम्पल तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को हम स्केलर बोलते हैं, वॉल्यूम स्केलर, मास स्केलर, स्पीड स्केलर, टेम्परेचर स्केलर। अब थोड़ा सा आगे बढ़े कि अगर मैं एक डॉक यार्ड में बैठा हूं बच्चे यहाँ पर, और कोई मुझसे बोलता है कि शिप जो है 60 से जा रहा है,
तो मैं उससे पूछूंगा 60 से किधर जा रहा है, दरिया से किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे 60 बताना पड़ेगा, 60 मीटर पर सेकंड है या यूनिट ये बताना पड़ेगा, किलोमीटर पर आ रहे हैं और किस दिशा में जा रहा है। इसका मतलब शिप ए की वेलोसिटी डिस्क्राइब करने के लिए आपने 60 मैग्नीट्यूड, किलोमीटर पर आर यूनिट और ईस्ट डायरेक्शन, या क्लियर। वी बी के लिए बच्चे क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम था, पर मैग्नीट्यूड यूनिट और डायरेक्शन। एक चीज बच्चे और ध्यान रखिएगा, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का एक हमने मेथड डिस्क्राइब किया है अपनी फिजिक्स में 11th लेवल के। अगर कोई पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बताइए, तो आप बोलेंगे इतनी बड़ी लाइन लिखने से अच्छा है इसका मॉडुलस ऑफ ए लिखे। सो क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ ए, क्लियर। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए के लिए अगर कोई पूछे से यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, मॉडुलस ऑफ ए है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है, कोई पूछे ये जो शिप जा रहा है, ये शिप जा रहा है, दोनों में सिमिलर क्या है, आप बोल सकते हैं कुछ मानो ना मानो दोनों की स्पीड क्या है बेटा, सेम है, एक 60 से ईस्ट में जा रहा है, एक 60 से नॉर्थ में जा रहा है, पर स्पीड तो सेम ही है ना। तो वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ये पॉइंट क्लियर है। और बात एक ये निकल के आई कि जब इनके एडिशन की बात करेंगे तो नॉर्मल एडिशन बेटा फॉलो नहीं करते, इनका एडिशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्लियर। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, 10+10 0 हो सकता है, 10+10 20 हो सकता है, और फिर हमने लास्ट टाइम पे डिस्कशन किए थे। अभी क्लियर है पॉइंट आशी? यस सर। क्रिश? यस सर। एक मिनट बेटा मुझे दीजिएगा, पैरेलल वेक्टर्स एक बार रीड करिए, जस्ट एक मिनट फिर से क्लास स्टार्ट कर। तो इक्वल वेक्टर्स वाला पॉइंट क्लियर है बेटा? तो अगर एक लेन में बेटा सब लोग चल रहे होंगे, थोड़ा सा हम लोग करते नहीं, पर इंडिया में अगर मैं बात करूं, बाहर कंट्रीज में ऐसा है कि अगर एक लेन में चल रहे तो क्या सबकी वेलोसिटी सेम होगी? यस सर, क्योंकि अगर आप एक वी से चलेगा और दूसरा डबल स्पीड से चलेगा तब तो कोलिजन ही होना है ना। तो एक लेन में अगर कायदे से चल रहे हैं बच्चे, आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो सबकी वेलोसिटी सेम होगी। एनी डाउट? No, sir. चले इसी के बेस पे बच्चे मुझे बताना कि मैं तुमसे पूछूं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स बेटा क्या होते होंगे जरा बताना। एंटी पैरेलल वेक्टर्स बताएंगे बेटा क्या होते हैं? नहीं पता सर। दिमाग लगाओ बेटा, बस सिंपल सा है। आप एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ, जैसे पैरेलल वेक्टर्स थे तो सेम डायरेक्शन में होते थे, एंटी पैरेलल मतलब क्या होगा, दे मस्ट बी पॉइंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर। इनका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए बेटा, अपोजिट होना चाहिए,
एंड मैग्नीट्यूड वही कोई शर्त नहीं है सर मे और मे नॉट बी इक्वल क्लियर तो ठीक है हम आपकी बात मानते हैं फॉर एग्जाम्पल को पूछे क्या आई बात यहाँ पर सर ये सिनेरियो वो होगा जिसमें ए इक्वल टू लैम्डा भी तो होगा है ना सी तो ऊपर भी था पर यहां बच्चे लैम्डा का कंपल्सरी है नेगेटिव होना लैम्डा शुड बी नेगेटिव क्लियर अब अगर इसके मतलब देखा जाए तो जैसे कोई लिख दे कि सर ए इक्वल टू माइनस टू बी है तो ए इक्वल टू माइनस टू बी का मतलब क्या होगा सर एक तो वेक्टर बी है आपके पास और दूसरा वेक्टर है उसके डायरेक्शन में लेकिन कैसा अपोजिट ये आ गया बी ये उससे डबल है लेकिन अपोजिट है क्या तो इफ यू मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय एस नेगेटिव स्केलर तो डायरेक्शन बच्चे एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगी लेट्स से मान लो ये तुम्हारे पास सी वेक्टर है आपको पूछे माइनस सी बाय फोर किधर होगा तो माइनस सी बाय फोर बेटा अपोजिट होगा और इस लेंथ का जो भी आ रहा होगा उसका वन फोर्थ होगा क्लियर यस बेटा दिस पॉइंट इज क्लियर कैसा रियल लाइफ में कहीं मिलता होगा बच्चे कि आपको अपोजिट वेक्टर्स मिले तो एक बच्चे मैंने आपको हाईवे के एक साइड का डिस्कशन दिया बेटा हाईवे में अगर लेन में अपोजिट चल रहे हैं ये लेन बच्चे कौन सा है अहमदाबाद टू वडोदरा का आ गया ये दूसरा लेन वडोदरा टू अहमदाबाद अब अगर व्हीकल्स इधर जा रहे हैं बच्चे और एक व्हीकल इधर चल रहा है एक चीज पक्की इनके मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है नहीं पता पर डायरेक्शन पक्की बात है अब कैसी है बच्चे अपोजिट है ये फर्स्ट व्हीकल ये सेकेंड व्हीकल पूछे वी वन और वी टू में क्या रिलेशन है तो वी वन इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा वी टू सर यस बेटा टू बॉडीज पुलिंग अस पुलिंग एन ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन भी एग्जांपल होगा इसको हाँ कह सकते हैं बेटा चलो दिखाओ उससे बच्चे वो वेक्टर जो होता है ना बच्चे वो इक्वल हो जाते हैं अगर एक मान लो मास एम है और दूसरा मास एम है तो क्या होता है अगर इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स आप शो करोगे तो ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा तो ये फोर्सेस बच्चे एंटी पैरेलल के साथ साथ कैसे हैं ये अपोजिट वेक्टर्स के लिए ज्यादा क्वालिफाई करेंगे ओके ओके ठीक है सर तो अगर मैं चार पॉइंट पूछूं तो मैं तब कौन कौन से पैरेलल मींस इक्वल लैम्डा बी इक्वल मींस लैम्डा इक्वल टू वन एंटी पैरेलल मींस इक्वल लैम्डा बी बट लैम्डा शुड बी नेगेटिव अब एक केस बच्चे आपके पास और बचता है अपोजिट वेक्टर्स का तो आपने पहले ही बात कुछ बोल दी हो अपोजिट वेक्टर्स कौन से आते हैं तो सर जिसमें ए इक्वल टू बेटा क्या लिखेंगे आप माइनस बी ओके तो ए इक्वल टू माइनस बी जो होता है बच्चे अपोजिट वेक्टर का डिस्कशन होता है जैसे आपने ही बोला कि दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स पेयर में होगा और इक्वल एंड अपोजिट होगा यही शायद न्यूटन थर्ड लॉ था तो अगर मैं एक चार्ज बच्चे यहां रख दू सिक्स क्यू का आशु बेटा आप आंसर दीजिएगा शीर्ष का सिक्स क्यू के सामने क्यू रखा है दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या सिक्स क्यू क्यू को रिपेल करेगा हाँ सर और क्यू भी सिक्स क्यू को रिपेल करेगा हाँ सर दोनों में से स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होगा सिक्स क्यू का पकड़े गए ये बेटा लड़ाई नहीं चल रही है ना कि चौधरी ने मारा छोटे गांव वाले को तो चौधरी मार सकता है ना यहाँ फिजिक्स है क्या सिखाया गया याद है लॉज ऑफ मोशन का कि इफ दे इज अ पेयर ऑफ फोर्स फोर्सेस हमेशा कैसे आते हैं बच्चे पेयर में सिक्स क्यू क्यू को हमेशा क्या करेगा पुश करेगा तो एट द सेम टाइम क्यू भी सिक्स क्यू को क्या करेगा पुश करेगा दोनों में डिफरेंस किस चीज को लेके है बच्चे जो एफ प्राइम होगा
वो एफ का एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट होगा सर. लेकिन वो जो क्यू पुश कर रहा है, वो जो सिक्स के वही खुद को रिपेल कर रहा है, वही फोर्स नहीं होगा? नहीं बेटा, आप मुझे बताओ, जैसे अगर मैं तुमसे ये कॉन्सेप्ट एक्शन रिएक्शन का आ गया ना. हाँ सर. एक्शन रिएक्शन का तुमने एग्जांपल कोई देखा है फिजिक्स में कहीं? तुम्हें एक्शन रिएक्शन देखता हो सर? रॉकेट का, रॉकेट प्रोपल्शन में होता है बच्चे, जब हम लोग स्विमिंग करते हैं तो उसमें भी ये चीज आती है ना. तो जब हम पानी को बैक साइड में पुश करते हैं तो हमें एक फॉरवर्ड पुश मिलता है ना. इसमें तो बेटा नहीं आ रहा है मेरे पास, तो सिंपल से एक्शन रिएक्शन का अगर मैं पूछूं, चाहे हम बैलून का एग्जाम्पल ले लीजिए या बोर्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर मुझे लगता है शायद सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, अगर ध्यान से देखो तो मुझे लगता है कि जब आप बुलेट फायर करते हैं बच्चे गन से, तो आप इस बुलेट को बच्चे किधर पुश देते हैं? फॉरवर्ड, जिससे फायर होके आगे जाता है, और ये फोर्स लेता है बैकवर्ड. ये फोर्स कैसा हुआ? बैक फॉरवर्ड एफ, और इस पे फोर्स कैसा हुआ? बैकवर्ड माइनस एफ. क्लियर? मैं आपको इस बात को कैसे एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चे, मैं बहुत तो नहीं, पर जब हम लोग कॉलेज में थे तो एनसीसी के कैंप में जाते थे, और एनसीसी कैंप में मैं 3-4 दिन के लिए जो राइफल का वो होता है उसके उसमें गया कि सिखाए. तो जो हमारे सर थे, राव सर थे, और उन्होंने हमें एक ही प्रिंसिपल सिखाया डे वन. तो मैंने पूछा कि उन्होंने कहा कि मोहित एक बात बताओ कि अगर आप बुलेट फायर करते हैं तो उस बुलेट से कितने लोग मर सकते हैं? तो मैंने कहा सर अगर मैंने गलत चलाई होगी तो किसी को लग सकती है, एक लोग. कहते नहीं, मान लीजिए सामने एक ही है. तो मैंने कहा सामने एक ही, तब तो एक ही आदमी को लग सकती मैक्सिमम. तो उन्होंने मुझे पहला दिन समझाया कि एक बुलेट फायर करने से बहुत ज्यादा चांस है कि दो लोग की डेथ एक साथ हो जाए. मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है? उन्हें कहा आप नहीं समझे कि मैक्सिमम जो अनाड़ी लोग होते हैं ना, वो जब फायर करते हैं तो अपने चेस्ट के पास रख के फायर करा. अब अगर तुमने चेस्ट के पास रख के फायर किया तो बुलेट को अगर फॉरवर्ड फोर्स एफ मिला होगा, तो क्या सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बुलेट से गन को मिला होगा? और गन आप होल्ड किए, इसका मतलब आपको भी लगा ना, तो जो आगे जाके बुलेट किसी पर्सन को हिट करने वाली है वो आपको भी लगेगा फोर्स. बस ये फर्क है कि उसकी जो बुलेट है वो पॉइंटेड है तो पेनिट्रेट कर सकती है बॉडी में, आपको जो थर्ड पड़ेगा बैक साइड में बहुत ही ज्यादा पेनफुल होगा. तो एक्शन, मैं वहां से बात समझा रहा था बेटा कि हमेशा एक्शन रिएक्शन में फोर्स कैसे आते हैं बच्चे, इक्वल एंड अपोजिट. ये हमेशा ऐसे समझ लो, मार्केट में कभी फोर्स लेने जाओ, कभी मन करता चलो आज मॉल चलते हैं फोर्स लेके आते हैं, तो अगर आप फोर्स उससे मांगेंगे एक फोर्स दे दो तो मना कर देगा. वो कहेगा नहीं, फोर्सेस हमेशा किस्म होते हैं, दे ऑलवेज अकर इन अ पेयर ऑफ एफ एंड माइनस एफ. फोर्सेस हमेशा, अगर आपका मून पे अर्थ कुछ फोर्स एफ लगा रही था, एट द सेम टाइम मून भी अर्थ पे कुछ फोर्स माइनस एफ लगा रहा हो. क्लियर है अपोजिट वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट? यस सर. तो ये बच्चे डिस्कशन फिजिक्स के मैंने आपको कराया, ठीक है सर, थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल डिस्कशन दिखे. पैरेलल वेक्टर्स कौन से हो सकते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, एंटी पैरेलल क्या होंगे, अपोजिट क्या होंगे. इसमें ही आगे चल के बच्चे एक बात आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे नल वेक्टर. नल वेक्टर बताएंगे बेटा क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है, नल वेक्टर थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, समझना. यहां पे जब तुमने ए की वैल्यू किसके कुल रखी थी? माइनस बी. तो यहां क्लियर हो गया कि दोनों वेक्टर कैसे हैं बच्चे, इक्वल एंड अपोजिट. बोथ वेक्टर्स आर इक्वल एंड अपोजिट. दोनों बोलना पड़ेगा बच्चे, इक्वल एंड अपोजिट. अब
अगर मैं ए में बी ऐड करूं तो बताना क्या मिलेगा, बताना। ए में बी ऐड करोगे तो ए खुद कितना है बच्चे, माइनस बी प्लस बी, कितना हो गया, जीरो। तो दो वेक्टर्स अगर इक्वल एंड अपोजिट हो तो उनको जोड़ने पे हमें क्या मिलता है बच्चे, बताओ। तो आप बोलोगे जीरो। अब जीरो वेक्टर तो कुछ होता नहीं है, तो आप आंसर रख दोगे नल वेक्टर। क्लियर? यस सर। तो इफ यू आर एडिंग टू वेक्टर्स यू विल गेट अ रिजल्टेंट एज नल वेक्टर। देखो कहां पे आता है नल वेक्टर, आप देखिए अच्छे से। नल वेक्टर बेटा कैसा हुआ, अगर आप दो वेक्टर्स को बच्चे ऐड करें, एक वेक्टर आगे एक वेक्टर पीछे, एक बच्चे ने आगे 10 न्यूटन का फोर्स आगे दिया, एक बच्चे ने पीछे आके 10 न्यूटन का फोर्स दिया, तो बताना रिजल्टेंट क्या बचा। तो जब दो वेक्टर इक्वल जोड़ोगे तो आपके पास बच्चे केवल एक ही वेक्टर बचेगा। ओके और कोई एग्जांपल दिखता है बच्चे जहां पे दो वेक्टर ऐड होकर जीरो हो जाए? मजेदार बात होती है, जिस एज में मैं हूं तो मेरे को किसी ने बोला कि सर आपको जो है ना ट्रेडमिल पे जाना चाहिए, दौड़ना चाहिए, अपनी हेल्थ बना के रखनी चाहिए। अब मेरे से कहते तो मैंने सुना नहीं भाई, पर जब ट्रेडमिल पे तुमने किसी पर्सन को कभी दौड़ते देखा हो तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ऑनेस्टली बताना। ट्रेडमिल पे एक पर्सन दौड़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी में क्या मान, बताइए बताओ। सर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, जरा बताओ। अच्छा बताओ वेलोसिटी जीरो किसको दिखेगी, वो लोग जो नीचे खड़े हैं ना बच्चे, उनको वेलोसिटी क्या दिखेगी, जीरो। पर ये पर्सन अपने मन ही मन खुश हो रहा होगा ना, आज तो 9 की स्पीड से दौड़ रहा हूं, है ना। तो सही कौन हुआ सर? दोनों सही हुआ ना, दोनों सही हुए। दोनों सही क्यों है, उसका रीजन सिंपल सा बेटा, है ना। उसका रीजन ये हुआ कि सही है वेलोसिटी जीरो हो गई। ये पर्सन अगर वी से आगे जा रहा था, ठीक है, तो इसकी बेल्ट जो थी बच्चे वो कितनी स्पीड से पीछे चल रही थी वी से, तो इसकी नेट वेलोसिटी पता है क्यों जीरो हुई, बोलो बेटा। सर अपने प्रयास से आगे जा रहा था, बेल्ट के प्रयास से पीछे चल रहा था, तो नेट वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। दिस वेक्टर इज कॉल्ड नल वेक्टर। Got it? Got it, yes, sir. तो हमने जो बेटा आज डिस्कशन किए, क्योंकि अब देखो जब माइंड हम सबका ओपन है कि हम किसी भी एक्सटेंट पे जाके पढ़ना, में समझने से मतलब पैरेलल मींस, बताओ पैरेलल क्लियर? इफ टू वेक्टर्स आर पॉइंटेड इन सेम डायरेक्शन दे मे हैव सेम मैग्नीट्यूड और डिफरेंट मैग्नीट्यूड, आई एम नॉट पुटिंग कंडीशन ऑन मैग्नीट्यूड, मैं मैग्नीट्यूड पे कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट सेम डायरेक्शन में चल, दोज आर पैरेलल। अगर मैं मैग्नीट्यूड पे भी कंडीशन लगा दूं तो वो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, अगर वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं। एंटी पैरेलल मतलब हाईवे पे अपोजिट चलती है कार, है ना, और अपोजिट वेक्टर्स मतलब ऐसे दो वेक्टर्स जिनको अगर मैं ऐड कर पाऊं तो मेरा नेट जीरो आना चाहिए, और नेट जो जीरो वेक्टर होता है उसको हम नल वेक्टर बोलते हैं। क्लियर? यस सर। तो आई थिंक यहां तक के हमारे पॉइंट क्लियर हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। फिजिक्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वेक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग एक जगह सारे पॉइंट्स को इकट्ठा ही कर लेते हैं, इस वेक्टर का नाम है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर बेटा वैसे बाकी चैप्टर्स में काम आएगा, ये वेक्टर स्पेसिफिकली इसलिए अच्छा है, दिस इज अ वेक्टर
which describes the position of the particle. A vector which describes the position of the particle. पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करने वाले वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। सर नहीं समझ में आया, एक बात बताओ बेटा, एक मैं सिंपल सी बात करूं, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे गूगल मैप ऑन किया, और गूगल मैप से बात करी चल के, मैंने यहाँ गूगल मैप में सिंपल ऐसे कोई शॉप डाल दी, मान लेते हैं पद्मावती जनरल स्टोर डाल दिया, ठीक है, अब कहीं ना कहीं तो था, देखिए मिल गया है ना। अब पता लगा कि भाई मेरे को इसकी डायरेक्शन पूछनी थी, इसकी डायरेक्शन बच्चे कहाँ पे थे, इसके पास से मैंने एक पॉइंट ले लिया MTS पंपिंग स्टेशन, ठीक है ना, और ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई आप मुझे यहाँ पर डायरेक्शन बताइए, अब डायरेक्शन तैयार नहीं दिखा रहा है यहाँ से, चलिए चलो मैं एक काम करता हूँ, इस मैप को यूज करता हूँ, गूगल अंकल तो आंसर नहीं दे रहे हैं, शायद मैं गलती कर रहा हूँ, मैंने एक यहाँ पर इसकी फोटो खींची और इसको लेके, ठीक है, अपने नोट्स में ले आया इस डाटा को, ठीक है, मैं आपको बेटा क्या पॉइंट सिखाना चाह रहा था, देखिए अगर बच्चे मेरे पास ये पद्मावती जनरल स्टोर था, ये आपने यहाँ बेटा बनाया है ना, ये पॉइंट आ गया, अब ये शॉप से बेटा आप जाके पूछें कि बताइए पंचतीर्थ विद्यालय किधर है, अब पंचतीर्थ विद्यालय किधर है, तो उसने कहा कि देखो वो देखो सामने है पंचतीर्थ विद्यालय, ऐसे होता है ना, हम लोग कभी भी लेते हैं तो अपने इंडिया का जो गूगल मैप हो तो पान वालों के पास ही होता है ना, उससे आप कहीं क्या पूछ सकते हैं, आप पूछे किधर है, तो उसने कहा देखो ये रहा, दिख रही है बेटा पॉइंट है, तो आप कहो कि सर ये जो वैक्टर है ये पंचतीर्थ की पोजिशन को डिस्क्राइब करता है विद रिस्पेक्ट टू द पद्मावती जनरल स्टोर, तो वैक्टर विच डिस्क्राइब द पोजिशन, तो ये आपके बच्चे वो पॉइंट हो गया जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे थे, है ना, और जहां से आप पूछते हैं बच्चे, जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओरिजिन, गॉट इट, द वेक्टर विल डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ये आगे चल के हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक थोड़ा वेट करते हैं और आगे की चीजें सीखें, नेक्स्ट, इसी के साथ बच्चे एक बड़ा डिस्कशन आता है अच्छा सा, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है, अब बताइए यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर बेटा हमेशा देना है सर, दिस इज द वेक्टर ऑफ वन मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड बच्चे हमेशा क्या होता है, वन होता है, और इट इज अ डायमेंशनलेस वेक्टर, तो
तो एक बच्चा थोड़ा सा नाराज हो गया, सर मैंने तो डायमेंशन वाला टर्म पढ़ा नहीं। डायमेंशनलेस मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है बच्चे, बस इसके पास क्या होता है, इसके पास यूनिट नहीं होती है, इसके पास केवल क्या होता है, इट हैज ओनली डायरेक्शन। इसके पास केवल केवल डायरेक्शन होती है। आई बस मन में ना। अच्छा मान लो अगर कोई बोले कि ए इज अ यूनिट वेक्टर, ऐसे किसी ने लिख दिया, अगर ए यूनिट वेक्टर है बच्चे तो इसका मतलब क्या होगा, तो पहली बात तो हमेशा रहना, अगर वेक्टर ए जो है यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा बच्चे, हमेशा ध्यान रखिएगा वन के इक्वल। इफ वन वेक्टर इज यूनिट वेक्टर यू विल से मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू वन। इस सबसे पहली कंडीशन है। सर यस पीटर, तो सर यूनिट वेक्टर का सिग्निफिकेंस और यूज क्या होता है? यूनिट अभी बेटा मैं आपको बताता हूँ। देखो फिजिक्स में अगर हम लोग कोई क्लास जैसे तो डेफिनेशन ये है तो काम की चीज ही भाई है ना। हाँ सर। तो हुआ क्या बेटा, A is a unit vector, modulus of A is equal to 1 है। देखें कहां से बात शुरू करें, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो यहां से बात शुरू कर दे। पहली बात तो इन्हें पहचानोगे कैसे, कभी तुम्हें यूनिट वेक्टर मिल जाए तो बच्चे आप हमेशा ध्यान रखिएगा उसका जो पहचानने का तरीका होता है उसके ऊपर ऐसी कैप लगी होती है, क्लियर? ठीक है, ये ए वेक्टर है तो ये खुद कह रहा होगा सर आई एम अ यूनिट वेक्टर, तुम्हें उसकी बात तो सुननी पड़ेगी। अब तुम फिजिक्स में जाके देखोगे तो बहुत सारे यूनिट वेक्टर मिलेंगे, एक होता है आई कैप, एक होता है जे कैप, एक होता है के कैप, एक होता है आर कैप, एक होता है टी कैप, एक होता है एन कैप। इन सब में कॉमन क्या है, कुछ भी हो पर इन सबका मैग्नीट्यूड कितना है, वन। फिर एक बच्चा ना सर वन 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 लगा रखे, आगे की बात तो बताओ ये काम का है। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। हमेशा बेटा दाना ये जो पहले तीन यूनिट वेक्टर हैं इनके बारे में देखा जाए, ये बच्चे आपके पास x आ गया, ये आपके पास y आ गया, ये आपके पास z आ गया। तीन एक्सेस है जिनसे हमारा काम चलता है। अब ध्यान से देखा जाए ये x y z में अगर देखें तो बच्चे i कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो पॉइंटेड लॉन्ग x एक्शन होता है, ठीक है। j कैप यूनिट वेक्टर होता है बच्चे पॉइंटेड लॉन्ग y डायरेक्शन, k कैप एक यूनिट वेक्टर होता है बेटा इट इज पॉइंटेड लॉन्ग z डायरेक्शन, क्लियर? तो i कैप किस डायरेक्शन में है, इट इज अलोंग x एक्सिस, प्रिसाइजली पॉजिटिव x एक्सिस। j कैप किस डायरेक्शन में, अलोंग y एक्सिस। और k कैप किस डायरेक्शन में, इट इज अलोंग z एक्सिस। ठीक है, हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं सर, लेकिन इसका मीनिंग क्या है जरा समझा दीजिए। देखें अब बच्चे मैं आपको एक डिस्कशन दूं यहाँ पे अच्छे से, कि एक फोर्स था उसको बच्चे मैं ऐसे लिखता हूं, दिस फोर्स इज 50 न्यूटन एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, दिख रहे हैं? Yes, अब बच्चे देखो तुम्हारा काम 50 में मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूटन से यूनिट आ गए, दिस इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस।
तो अगर फोर्स 50 न्यूटन एक्टिंग लॉन्ग एक्स एक्सिस है तो 50 न्यूटन का फोर्स है, किस डायरेक्शन लग रहा है बच्चे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है। तो अब एक्स एक्सिस वाली बात बच्चे कैसे आपने कवर कर ली, इट इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, या आई कैप पर। अब 50 न्यूटन का फोर्स है, किस डायरेक्शन लग रहा है बच्चे, एक्स एक्सिस। गॉट इट? एक बच्चे ने कहा सर मुझे नहीं समझ में आया। जरा एक काम करो बच्चे, अगर मैं ये चीज छुपा दूं, दिख रहा है, अगर मैं 50 न्यूटन वाली बात छुपा दूं यहाँ पे, देखना तो मुझे बताना क्या पता है सर। इफ इट इज नॉट, दिस पॉइंट इज नॉट क्लियर, तो ये पद तो पक्की फोर्स किधर लग रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, क्लियर। और अगर मैं आई कैप छुपा दूं तो क्या बात पक्की हो गई, सर इट इज अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन। तो बच्चे ये जो पहला टर्म है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, मैग्नीट्यूड। सेकेंड टर्म किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, डायरेक्शन। अगर मैं यहां से चुपचाप आई कैप हटा दूं तो बताओ क्या चीज छीन ली मैंने वेक्टर से, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। और अगर मैं ये चीज ऐड कर दूं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, तो दोनों कहेंगे हम दोनों राम लक्ष्मण की तरह साथ चलेंगे यार, है ना, बिल्कुल बढ़िया, और बात बनती रहेगी, हम कभी अलग नहीं होंगे। क्योंकि अगर कोई एक हटा तो फिर दूसरे का मामला बढ़िया नहीं चलेगा। कंप्लीट वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए यू हैव टू डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बोल। नाउ कैन यू से यूनिट वेक्टर क्या बोलेगा, सर यूनिट वेक्टर बोलेगा आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्शन, क्लियर, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन, गॉट इट? Yes, sir. अब बच्चे अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सा डायग्राम दूं, ये मेरे पास एक प्लेग्राउंड था, ये प्लेग्राउंड था बच्चे इस तरीके से, ऐसे यहाँ। अब इस प्लेग्राउंड में ये एक्स एक्सिस था मान लिया, ये आपके पास वाई एक्सिस था, ये आपका जेड एक्सिस था, ऐसा मान लिया। अब एक बच्चा इस डायरेक्शन में दौड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड से, सर 2 meter per second से। इस बच्चे का नाम ए है, है ना। एक इसका दोस्त है बच्चे, या एक साइकिल या एक कार इधर जा रही थी बच्चे, मान लेते बच्चे कितनी स्पीड से, 10 meter per second से, इसका नाम आपने सी रख दिया। एक मंकी था जो लैडर पे खट 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 ऊपर भागता हुआ जा रहा था ऐसे, कितनी स्पीड से, 1.2 meter per second से, क्लियर। इस मंकी का नाम बी रख दिया, बंदर, है ना। तो बताओगे पर्सन ए की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, सर 2 i cap। हाँ, तो 2 ने रिस्पॉन्सिबिलिटी मैग्नीट्यूड की और ये आ गया आई कैप, क्लियर। यस सर। ऐसे बच्चे वेलोसिटी ऑफ बी बताएंगे बच्चे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बंदर बताओ क्या होगा, बंदर उस पिलर पे क्या कर रहा है, खटखट खटखट भागता ऊपर जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या लिखोगे, 1.2 k cap। तो मैं यूनिट वेक्टर किस चीज की रिस्पांसिबिलिटी ले रहा है, डायरेक्शन की। वेलोसिटी ऑफ सी क्या होगी कार, 10 j cap। गॉट इट? तो यस सर। यस सर, गॉट इट। डन है बेटा। तो अब आपको समझ में आ गई यूनिट वेक्टर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है। यस सर, ऑर्डर। अब एक और चीज आई, बढ़िया चीज है। तुमने बोला कि जैसे इस पर्सन के बारे में, इस पर्सन ए की वेलोसिटी तुमने बच्चे 2 i cap बोली। अगर मैं पूछूं बच्चे स्पीड ऑफ ए कितनी होगी, पर्सन की स्पीड कितनी थी, तो अब बोलोगे मैस 2 meter per second, उसमें डायरेक्शन तो होगी नहीं, तो स्पीड ऑफ ए कितना हो गया बच्चे, 2 meter per second, क्लियर। इसी को बच्चे हम लोग बेटा मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए
और ये बेसिकली क्या होता है, मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या होता है, ऐसे दो वर्टिकल लाइन आती है। तो ये टर्म क्या हो गया बच्चे, ये जो टू था वो क्या हो गया, मॉड ऑफ ये, और क्या बचा, आई कैप। तो आई कैप कोई पूछे कितना होगा, तो बोलोगे वी ए डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ये। इसका मतलब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर वेक्टर को आप किससे डिवाइड कर देंगे, इफ अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, वेक्टर को आप किससे डिवाइड करें, उसके अपने ही मैग्नीट्यूड से अगर आपने डिवाइड कर दिया, तो आप बताएंगे बच्चे आपको क्या मिलेगा? तो यू विल गेट अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज डेवलप्ड बाय द हेल्प ऑफ डिवीजन, डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। गॉट इट? इसका मतलब एग्जाम में अगर ए वेक्टर को आप किससे डिवाइड करेंगे बच्चे, मॉडुलस ऑफ ए से, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ए कैप। दिस इज द रेसिपी ऑफ डेवलपिंग यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर का एग्जांपल क्लियर है बेटा सबको? हाँ सर। क्रिश? यस। एनी डाउट बेटा? नो सर। तो आज तक के जो पॉइंट बेटा हमने पढ़े, उनमें हमने रिवीजन में भी बात देख ली। आज जो बच्चे मैंने आपको और डिस्कशन दिया, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल, अपोजिट, नल, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, एंड फाइनली यूनिट वेक्टर्स का डिस्कशन। अच्छा मुझे एक बात बताना, अगर एक आदमी इधर साइकिल चलाता हुआ जा रहा हो, तो एक आदमी खड्डे में नीचे उतर रहा हो, तो और एक पर्सन इधर अपनी कार लेके जा रहा हो, क्या इनकी वेलोसिटी भी पॉसिबल होंगे? इस साइकिल को आपने सी वाई सी एल ए लिख दिया, ये आपका माइनर हो गया, एक बंदा माइनिंग में काम करता, तो ये कार आ गई एक और। ये बताएंगे वेलोसिटी ऑफ साइकिल कैसे होगी, किस डायरेक्शन में होगी? मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट साइड में जा रहा था, माइनर बच्चे 2 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड जा रहा था, कार बाहर आ रही थी इधर 15 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या बेटा वेलोसिटी ऑफ साइकिल बताएंगे क्या होगे? सर -5। हाँ सर -5 i cap। -5 i cap बेटा आपने बोला बिल्कुल सही है, पर मेरा एक हैबिट है इसको 5 minus i cap है ना, 5 इज द मैग्नीट्यूड एंड -i cap इज द डायरेक्शन, देन आप जो आप बोल रहे हो वो भी सही है। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ माइनर बताएंगे क्या होगी, जो माइन में नीचे जा रहा होगा, 2 minus k cap। गॉट इट? और ये जो कार बेटा बाहर की तरफ आ रही है, उसकी वेलोसिटी 15 minus j cap। क्लियर? यू कैन यूज अ वर्ड -15 j cap, वो भी चलेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए अब अगला डिस्कशन आता है बच्चे, कि जब हम वेक्टर्स को लिखते हैं, तो वेक्टर देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे जो है वो उनके एडिशन को लेके है, ठीक है ना, किस तरह वेक्टर्स को ऐड कैसे करें। एडिशन से पहले बच्चे में एक पॉइंट और अच्छे से देखना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बेटा, क्योंकि आगे चल के मैथ्स में यूज करना पड़ेगा, और वह एंगल कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, कल बेटा मैं क्लास आपके शाम का रखूंगा, कि मुझे इसमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, तो कल शाम को रखू क्लास तो चलेगा। टाइमिंग बता दे रहा हूँ 8 to 9, बस 1 hour की रखूंगा सर। कल एक्चुअली मैं नहीं कंफर्टेबल सर। अच्छा नहीं है, क्योंकि सर परसों मेरी ज्योग्राफी की बोर्ड से, तो उसके लिए थोड़ा पढ़ना है। ठीक है,
परसों रख सकते हैं ज्योग्राफी का पेपर देने के बाद? हाँ सर। ठीक है, तो परसों फिर 8 to 9 बेटा मैं एक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना है, उसके बाद ही बेटा हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? ओके सर। तो एंगल एंगल बिटवीन वेक्टर्स बेटा क्या हुआ, देखो जब तुमने लाइंस पढ़ी थी तो लाइंस में तो देखो बात यह आई थी कि तुम दो लाइन का एंगल बच्चे अगर 60 डिग्री लिख सकते हो तो 120 डिग्री भी गलत नहीं होता है। क्लियर? तो लाइंस के बीच में 60 और 120 डिग्री बेटा दोनों सही माने जाते हैं, पर जब आप वेक्टर्स की बेटा बात करते हैं ना तो वेक्टर्स में थोड़ा सा इस बात को लेके कुछ उनका जो नियम है वो पक्का है। देखिए ये एक अपने वेक्टर बनाया बेटा और ये एक वेक्टर बनाया बेटा। अब आपसे कोई पूछे कि अगर ये वेक्टर है बच्चे तो एंगल हम इनके बीच का क्या लिखें, तो हमने कहा सर मर्जी है 120 लिख दो और मर्जी है 60 लिख दो। तो बताओगे लाइंस में क्या दोनों आंसर सही है? यस सर, लाइंस के केस में सर एंगल बिटवीन लाइंस अगर कोई पूछे तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं बोथ आर करेक्ट 120 और 60। यहां बच्चे का पूछो एंगल बिटवीन वेक्टर्स तो कौन सा आंसर सही माना जाएगा, एक ही पिक करना है सर 120। रीजन? क्योंकि सर वो दोनों वेक्टर्स के बीच में है। होगा। अच्छा उसने तो आंसर दिया कि दोनों के बीच में होगा, है ना? चल तेरी बात मान ली कश। आशु तेरा क्या लॉजिक है? सर मैंने कहीं पढ़ा था कि जो दो वेक्टर्स की टेल को जॉइन करके जो उनके बीच एंगल होता है वो मेजर करना। गुड 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 गुड, ये आपने सही पढ़ा था, है ना? अब आश्विक ने जो बात बोली बेटा वो बिल्कुल सही बात है। उसका कहना है कि सर जब भी आप बात करेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स की तो पहली शर्त ये होती है कि जिस डायग्राम को आप यूज करेंगे डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल बताने के लिए उनमें दोनों वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, पॉइंटेड आउटवर्ड होने चाहिए। बोथ वेक्टर्स मस्ट बी पॉइंटेड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अच्छा आउटवर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, दोनों के हेड बाहर की तरफ होने चाहिए। अब हेड बाहर की तरफ होने चाहिए तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, उनकी टेल कैसी होनी चाहिए, कोइंसाइडिंग होनी चाहिए। क्लियर? तो उनकी टेल कोइंसाइडिंग होनी चाहिए। अब टेल कोइंसाइडिंग होनी चाहिए तो एक बच्चे ने सर ये कैसे पॉसिबल है, बेटा हमें फिजिक्स फ्रीडम देती है कि हम चाहें तो वेक्टर को एक वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। दिख रहा है ये वेक्टर है, अगर आप उसको यहाँ पे लाके दोबारा बना भी दोगे तो उस वेक्टर में कुछ नहीं चेंज होगा, ना उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, है ना, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। तो अब ध्यान से देखो ये वेक्टर आ गया बेटा आपके पास, तो दिस इज योर वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, दिस आल्सो वेक्टर ए। क्या बच्चे आपको दिखता है यहाँ पे दोनों की टेल कोइंसाइड कर रहे हैं? यस सर। तो आप बोलोगे सर आंसर 60 डिग्री लिखा जाएगा इस केस में, तो 60 डिग्री इज एक्सेप्टेबल आंसर। गॉट इट? चलिए फिर से बताइएगा बेटा, अब मैंने दो वेक्टर बेटा बनाया इस तरीके से, वेक्टर मेरे पास आ गया इस तरीके से, ये वेक्टर बेटा ए था, ये वेक्टर सी था और मैंने बच्चे इनके बीच का एंगल यहां पर लेट्स से 60 डिग्री लिखा। बताइए एंगल ए एंड सी क्या बोलेंगे आप? सर 120 डिग्री, 120 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि सर आपको ए को शिफ्ट करना पड़ेगा, जब आपको ए को शिफ्ट करेंगे बेटा तो इनकी टेल्स को इनसाइड करेंगे और आंसर बच्चे 120 डिग्री आ गए। क्लियर?
right angle, 120 degrees is the correct answer. Done, beta? Any doubt? No, sir. So, no, ye bachche aaj hum yahan tak hi rakhte hain. Thoda sa मेरे पास बच्चे के लिए एक ही इनिबिशन है आप लोग को कोर्स बढ़ाने का. मैं तो आज चाहूँ तो पूरा वेक्टर्स ही खत्म कर दूँ, है ना. कुछ होता नहीं, मेरे को तो पढ़ाने का मन है कि आप लोग का जल्दी जल्दी पढ़ाएं. पर क्या आप उस